हेलो, आई एम डॉक्टर अनुज चावला। आई एम अ फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट एट सक्षम ऑर्थो। तो इस फ्लैट फुट की सीरीज में अभी तक हमने जाना कि बच्चों में फ्लैट फुट होता क्या है और क्या क्या कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 10% ऑफ द किड्स वुड हैव सम फॉर्म ऑफ फ्लैट फुट व्हेन दे आर एट द एज ऑफ 7 और 8। तो 7-8 साल की उम्र में अगर 10% को है, तो हमारी जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से जितने बच्चों को फ्लैट फुट है, मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो जाता है। बट सारे के सारे सिम्टोमेटिक नहीं होते। मैं कहूंगा हार्डली 1% ही सिम्टोमेटिक होते हैं, 99% को पता ही नहीं होता। तो जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरली कि पेशेंट्स आ रहे हैं, मेरे पास बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि बच्चों को कुछ सिम्टम नहीं होते लेकिन पेरेंट्स को दिखता है कि इसका पैर जो है उसका आर्च कोलैप्स है या पैर टेढ़ा हो गया है और उसको ऐसा लगता है कि उनको चलने में प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे को उस समय कोई समझ नहीं होती इस चीज की और बच्चे के लिए सब कुछ नॉर्मल होता है। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि अगर आपका मेरे पास बच्चा आता है जनरली 4 या 5 साल की उम्र में, 3-4 साल की उम्र में, जो कि बहुत कॉमन है, तो उसमें हमारे को कुछ नहीं करना है, ना कोई इंसुल देने की जरूरत है। उस टाइम पे बस यही है कि आप बस ग्रेजुअली ऑब्जर्व करो, सिम्टम्स कुछ नहीं होते तो उसमें हमारे को हम कुछ नहीं करते। हम सिर्फ पेशेंट्स को समझा देते हैं कि ये सिर्फ एक दिखने में एबनॉर्मल लग रहा है, हो सकता है इसकी वजह से सिम्टम्स कभी भी ना आए। तो यही चीज, हालांकि हम जब मेरे पास कोई 8-10 साल का बच्चा भी आता है तो हम यही कहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 8-10 साल की उम्र में जब बच्चे आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो होता है दर्द का, यानी कि फुट में पेन होता है। तो बच्चों को पेन कहाँ होता है, तो जनरली जैसे आपने देखा इस फुट मॉडल में कि जैसे ही आर्च कोलैप्स करेगी तो ये वाली जो हड्डियां हैं ये नीचे चले जाती हैं और ये हड्डियों पे प्रेशर पड़ने लग जाते हैं। तो इस हड्डी के प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ पे जो है बच्चों को पेन होता है, विच इज ऑन द इनर साइड ऑफ द फुट, जिसको हम कहते हैं आर्च पेन। कभी कभी बच्चों में एक एक्स्ट्रा हड्डी यहाँ बड़ी होती है जिसको हम एक्सेसरी नेविकुलर कहते हैं, और उस बोन पे पॉइंट पेन भी हो सकता है। सिवियर डिफॉर्मिटी में जैसे जैसे कि पैर टेढ़ा होने लग जाता है, बच्चों को आउटर साइड ऑफ द एंकल में समवेयर अराउंड हेयर पीछे की आउटर साइड पे, वहां पे भी दर्द आने लग जाता है। फ्लैट फुट की वजह से पैर के अंगूठे पे भी प्रेशर पड़ता है तो अंगूठे पे भी दर्द हो सकता है। उसके अलावा फ्लैट फुट में जनरली जो काफ मसल्स हैं और जो कि पीछे की तरफ होती हैं और जो प्लांटर फेशिया है जो नीचे की तरफ होता है उसमें भी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से एडी में दर्द आ सकता है, जिसको हम कहते हैं हील पेन। तो वो या तो नीचे की तरफ आएगा या पीछे की तरफ आएगा। फ्लैट फुट देखा जाए तो वो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है जिसमें आर्च और अलाइनमेंट खराब हो गई है, और क्योंकि पैर हमारा बेस है तो अगर बेस जो टेढ़ा होगा तो उसकी वजह से जो है ऊपर के फ्लोर्स पे भी, जैसे एक बिल्डिंग में अगर आपका बेस खराब है तो ऊपर के फ्लोर्स में भी चेंजेस आते हैं। तो सिमिलरली अगर फ्लैट फुट में आपका बेस खराब है, फ्लैट फुट के आर्च कोलैप्स है, तो उसकी वजह से ऊपर के जॉइंट्स में पेन आ सकते हैं। तो पेशेंट्स को लेग की बोन्स में जिस पेन हो सकता है, जिसको हम कहते हैं शिन स्प्लिंट्स, काफ में पेन हो सकता है, नी में पेन हो सकता है, हिप में पेन हो सकता है, लोअर बैक में हो सकता है, एंड ऑल द वे अप टू द नेक एंड द शोल्डर हो सकता है, क्योंकि उसमें आर्च जो है वो कोलैप्स है और अलाइनमेंट चेंज हो गई है। इसके अलावा जो है दर्द के अलावा दूसरी चीज जो है वो उनको परेशानी होती है कि उनको थकान हो जाती है। तो थकान का मतलब है कि वो जब ज्यादा भागते हैं तो उनको लगता है कि उनके पैर वीक हैं और वो ज्यादा भाग नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज बहुत कॉमन होती है। तीसरी चीज आ जाती है कि पेशेंट्स को डिफॉर्मिटीज होने लग जाती हैं। तो एक तो पैर की ही डिफॉर्मिटी हो जाती है फ्लैट फुट, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनका जूता जो है वो अंदर से ज्यादा घिस रहा है। उसके अलावा फ्लैट फुट की वजह से कभी कभी अंगूठे में डिफॉर्मिटीज हो सकती है, जिसको हम कहते हैं बनियंस, घुटने में डिफॉर्मिटी हो सकती है जिसको हम कहते हैं नॉक नीस। तो इनको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि जब ये रन करते हैं तो इनके दोनों घुटने जो है वो आपस में रगड़ खाते हैं जब ये रन कर रहे होते हैं या ये जब चल रहे होते हैं। तो ये डिफॉर्मिटीज कई बार पेशेंट्स को हो सकती है। बट जो है ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है जब हम सिम्टम्स की बात करें, जब बच्चा या पेशेंट हमें बताता है। बहुत बारी क्या होता है कि पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये सिम्टम्स उसको है,
और पेशेंट्स को क्या, उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। तो इसमें जनरली क्या होता है कि जब भी मेरे पास कोई आता है फ्लैट फुट का बच्चा, और मैं उससे पूछता हूँ या उनके पेरेंट्स से पूछता हूँ कि आपको सिम्टम्स कुछ है, तो वो कहते हैं कि नहीं, इसको कोई सिम्टम्स नहीं है। लेकिन जब मैं डिटेल में बात करता हूँ तो मुझे समझ आता है कि वो सिम्टम्स है, लेकिन उन्होंने उसको अवॉइड कर रखा है ताकि वो सिम्टम्स ना हो। तो मैं पूछता हूँ बच्चे से कि क्या आप खेल सकते हो, भाग सकते हो, तो बच्चे का आंसर बहुत बारी आता है नहीं। तो पूछें कि आप क्या स्पोर्ट्स करते हो, तो कहेंगे हम रनिंग नहीं करते क्योंकि रनिंग में मैं हमेशा सबसे पीछे रह जाता हूँ, रनिंग हम इसलिए नहीं करते क्योंकि मुझे दर्द होता है। बच्चा फुटबॉल नहीं खेलता, बच्चा करता क्या है, बच्चे को बहुत मजा आता है साइकिलिंग करने में, स्विमिंग करने में, या ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें बहुत ज्यादा भागना ना पड़े, तो वो वाले स्पोर्ट्स करने में बच्चे का ज्यादा ध्यान होता है। इतना ही नहीं, कई बार बच्चे का जो ध्यान है वो यहाँ से हटके सिडेंटरी लाइफ पे, वीडियो गेम्स पे या टीवी पे, मोबाइल पे ज्यादा चले जाता है, और जिसकी वजह से जो है बच्चों में और उनके पेरेंट्स में भी कभी कभी रिफ्ट आने लग जाता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि ये बहुत बारी मैंने ऐसा भी सुना है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बेटा जो है इसको, या बेटी जो है इसको ज्यादा भागना नहीं है, इसको बाहर नहीं जाना, इसको बस टीवी देखना है, ये एक आलसी है, ये कामचोर है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको भागने में दर्द होता है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस रिफ्ट के कारण बच्चों में जब वो बड़े होते हैं तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी आ सकते हैं, विच इवन आई हैव सीन इन अ फ्यू पेशेंट्स। फ्लैट फुट जो है पेशेंट्स, वो जनरली क्योंकि वो भाग नहीं सकते तो उसकी वजह से वो सिडेंटरी लाइफस्टाइल लेते हैं, और उसकी वजह से उनको ओबेसिटी भी आ सकती है। सो ये एक देखा जाए, ये एक विशियस सर्कल है जिसमें फ्लैट फुट पेशेंट्स में ओबेसिटी होती है, और जो ओबीस होते हैं उसकी वजह से आर्च पे प्रेशर और ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से फ्लैट फुट और ज्यादा वर्सन हो जाता है। तो देखा जाए तो जब हम सिम्टम्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स कंप्लेन, काफी बारी पेशेंट्स कंप्लेन करेंगे, बट इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट कंप्लेन ही नहीं करेगा कि उसको सिम्टम्स है और आपको वो सिम्टम्स निकालने पड़ेंगे, और यही काम एक क्लिनिशियन का होता है। तो अगर आप में से भी किसी को भी ऐसे सिम्टम्स है तो जरूर आगे के वीडियोस देखें जिसमें हम बात करेंगे कि इसको हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।